जा सकती है। अभी भी कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई है, एलिमिनेशन के कगार पे आती हुई नजर आएगी आपको दो टीम्स, एंड क्या यहां से फाइट अवॉइड करेगी ग्लोबल या फिर चार्ज इनके फिनिश पॉइंट सेवन से प्रिंस उठा जाएंगे थर्ड पार्टी का मौका। ओआर को सोल के अमोएगा गाड़ी से नॉकआउट करते, बट इमीडिएटली ट्रेड आएगा आदित्य की तरफ से, गोब्लिन ओआर के न्यू बॉय को नॉकआउट करेंगे, हेक्टर का ट्रेड आएगा 8 बिट के सुनामी की तरफ, एंड ओआर आदित्य अक्षत को एक खिलाड़ी बचे हुए अभी सोल की तरफ से, गिल को कंप्लीट एलिमिनेट किया जाता है, एंड आई बिलीव सोल इस मैच से 16वें पायदान पे एलिमिनेट होती हुई नजर आई है। एक कर रहा है टीम सोल के लिए, उनके खेमों को देखिए आपस में बात करनी पड़ेगी कहां पर गलती हो रही है, कहां पर वो रोटेशन मिस्टेक्स हो रही है। फिलहाल के लिए जो कुछ देर पहले फाइट देखने मिली थी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस गॉडलाइक की, तो जहां पर गॉडलाइक के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, देखिए एक फिनिश तो निकाला जरूर किया उनके द्वारा, लेकिन अभी भी खतरा अभी भी चल रहा है क्योंकि ग्लोबल तो चलेगी लेकिन सेवन सी आ जाते हैं इसलिए स्लैमिंग करने। प्रिंस को मेरे ख्याल शायद जा सकता है, जॉनसन काफी दूर से उनकी तरफ से स्प्रे आएगा, स्प्रे गॉड को नॉकआउट करेंगे, लेकिन अभी भी क्या अलादीन एंड सारंग बचा सकते हैं अपनी टीम को सबसे पहले स्मोक के अंदर ग्रेनेड डाला जाएगा, उससे कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, 7 CC बीच में इस टाइम का फायदा उठा के जरूर रिवाइवल दे पाते हैं दो खिलाड़ियों को, लेकिन स्प्रे गॉड को इमीडिएटली वापस से ग्रेनेड से नॉकआउट किया गया है। रेवेनेंट के पैराडॉक्स अपने ही मोलोटोव से जल के एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड जॉनथन यहां पर ब्रेक आउट का फिनिश पॉइंट भी कलेक्ट करेंगे अपने नाम जी गॉड की तरफ से। फिलहाल के लिए एक और नॉकआउट निकाला जाता है, 7 सी प्रिंस टेस्टो को नॉकआउट करते हैं, बट यहां पर थर्ड पार्टी आता है केविन स्पोर्ट्स का, जिससे 7 सी बहुत पीछे जा चुकी है। रॉबिन को भी नॉकआउट किया गया, प्रिंस के ऊपर एक ग्रेनेड आता है, कनेक्शन बना है, डेल्टा पीजी वर्सेस प्रिंस क्लोज इन कॉम्बैट, डेल्टा पीजी आगे आते हैं, इट्स गोइंग टू बी डेल्टा पीजी।